नहीं थम रहा चोरों का आतंक। एक रात में 5 घरों और 1 दुकान से चोरी। घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी। शैम्पू इलाके में लगातार हो रही चोरियों की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात्रि को घड़ी लज्जा गांव में चोरों ने आतंक मचाया है। एक ही रात्रि में 5 घरों के अलावा एक परचून के खोखे को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात कर डाली और हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी से बने आभूषण सहित अन्य सामान चुराकर चोर मौके से भाग खड़े हुए। घटना को लेकर पीड़ित लोगों ने शैम्पू पुलिस थाने में पहुंचकर थाना अधिकारी हरवान सिंह को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित लोगों ने बताया कि वह रात्रि के समय अपने घरों में सो रहे थे, तभी अशोक पुत्र चौप सिंह ठाकुर, उसके भाई दिलीप, रामफूल पुत्र पातिराम कुशवाहा, श्री भगवान पुत्र आदराम कुशवाहा के घरों में मौका पाकर प्रवेश कर चोरों ने कमरों के अंदर रखी अलमारी सहित अन्य सामान को खंगाल डाला। इस दौरान अशोक के घर से अलमारी में रखे 10,000 की नकदी सहित 4 सोने की चूड़ी, 5 अंगूठी, 2 सोने की चैन, झुमकी, पायजेब व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। वहीं दिलीप के घर से 5,000 की नकदी, रामफूल कुशवाहा के घर से 4 अंगूठी, 1 सोने की चैन सहित अन्य सामान चुरा लिया तथा रामप्रसाद के परचून के खोखे को तोड़कर करीब 12,000 रुपए की नकदी तथा करीब 5,000 रुपए का बीड़ी गुटखा के अलावा अन्य सामान चोर चुराकर मौके से फरार हो गए। वहीं बताया गया है कि ग्राम पंचायत सरपंच रमन के घर भी चोर अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन जगार होने पर चोरी की घटना असफल रही है। वहीं घटना को लेकर थाना अधिकारी हरवान सिंह ने कहा कि पीड़ित अशोक ठाकुर के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर चोरी की घटनाओं का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा शीघ्र चोरी का खुलासा करने को लेकर पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहले तो कुछ लोग मेरे गांव में चोर आ गए थे, उसमें सबसे पहले मेरे घर में हमला बोला, उन्होंने मेरे घर का गेट तोड़ के घर में नीचे घुस गए और जो नीचे वाले कमरे में मैं सो रहा था उसका गेट लग रहा था, तो उसमें तो गेट खटखटाया उसने, तो मैं समझ गया बिल्लो इल्लो हो गई, तो मैं चुपचाप सो गया। फिर मैं नीचे वाले घर में जाके चाचा के घर में घुस गई, वहाँ मैं तारे तार तोड़ के और ये बक्सा वक्सा खोले के वहाँ कपड़ा वपड़ा देखा था ये घर, ये चले गए। तो दूसरे नंबर में रामफूल कुशवाहा नाम को है, घड़ी लगी में बाहर घंटे भीतर घुसे घर में घुस गए हैं और कचू चीज बत्तर चोर ले गए हैं, 25-26,000 रुपये चोर ले गए हैं। बाकी जहाँ चोरी करके बाद पहुँच गए हैं अशोक ठाकुर साहब। कुल कितने घरों में चोरी? 5 घरों में चोरी की, एक ही रात में एक ही टाइम पे ग्रो आई है पूरी 15-20 आदमी निकले। कुछ मकानों में दुकानों में चोरियां हो गई हैं, जिस पर मैं मौके पे पहुंचा, जो उनकी स्थिति को देखा गया, चोरों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, टीम गठित कर दी गई है, FIR ली जा रही है, अग्रिम कार्रवाई तुरंत की जाएगी, चोरों का पता लगाकर सामान बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे।